कोई साधारण युद्ध नहीं है ये, इस भक्त की भक्ति की परीक्षा है ये युद्ध। प्रभु श्री राम का कार्य है ये, जिसमें असफलता स्वीकार नहीं है मुझे। हनुमान की भक्ति, अपने प्रभु के प्रति उसकी निष्ठा, उसमें असीम शक्ति का संचार करती है। नहीं तो नंदी और वीरभद्र जैसे महायोद्धाओं से कोई कैसे युद्ध करे। प्रभु श्री राम के काज में कोई बाधा सहन नहीं करूंगा मैं। नंदी और वीरभद्र के पश्चात कहीं हनुमान मुझ पर तो वार नहीं करेगा। हे महादेव, अब आप ही अपने शरणागत भक्त की रक्षा कीजिए। नंदी जी और वीरभद्र की पराजय का अर्थ है कि अब हनुमान को स्वयं महादेव के साथ युद्ध करना होगा। महादेव के त्रिशूल से संघर्ष में तो हनुमान के साथ साथ संपूर्ण सृष्टि पर संकट छा गया था। अब यदि रुद्र स्वयं रुद्रांश से युद्ध करेंगे तो न जाने कैसा महासंकट उत्पन्न हो जाएगा। भोले बाबा, प्रभु श्री राम द्वारा दिए गए कार्य में असफल हो चुका हूं मैं। राजकुमार शत्रुघ्न आहत मूर्छित पड़े हैं और वीरभद्र के हाथों राजकुमार पुष्कर का वध हो गया। उन दोनों को सुरक्षित नहीं रख सका मैं, किंतु अब मैं किसी भी मूल्य पर अपने प्रभु को निराश नहीं होने दूंगा। यदि उसके लिए मुझे आपसे भी युद्ध करना पड़े तो वो भी निसंकोच करूंगा मैं। सृष्टि का विद्वंस सोच कर देवलोक भयभीत, भक्त लड़े भगवान से ये कैसी गरी। उचित है हनुमान, तुम अपने धर्म का पालन करो, किंतु मैं भी वचनबद्ध हूँ अपने भक्त की रक्षा के लिए। अर्थात सुरक्षित हूं मैं, स्वयं रुद्र के समक्ष कहां टिक सकेगा ये रुद्रांश। एक दूसरे सम शिव शिव अंशा, चिंतित सब चित मन आशंका। उत सृष्टि संहारक शक्ति, इत बल के पर्याय की भक्ति। उत खड़े रौद्र रुद्र त्रिलोचन, इत सृष्टि के संकट मोचन। असमंजस मह पड़े कपिराई, शिव कपि शत्रु बन अकुलाई। लीला राम भगत की जय। जय जय रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। भोले बाबा, हनुमान का नमन स्वीकार करें प्रभु। अपने धर्म और कर्तव्य का निर्वाह करने मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। नियति के समक्ष हम दोनों विवश हैं हनुमान। अब जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, वो तो होकर ही रहेगा, वो तो होकर ही रहेगा, वो तो होकर ही रहेगा। अपने प्राण देकर भी प्रभु श्री राम के यज्ञ के अश्व की रक्षा करना मेरा परम धर्म है। निस्वार्थ भाव से अपने बल और बुद्धि से धर्म के मार्ग में आने वाले सभी अवरोधों को दूर किया है तुमने, किंतु
क्या मुझसे युद्ध कर सकोगे तुम? अपने अस्त्र उठाओ हनुमान और युद्ध प्रारंभ करो। ये क्या करने जा रहा था मैं? मेरे पिता तुल्य हैं आप, तो मेरे गुरु हैं, मेरे प्रभु हैं आप। मैं भला आपसे कैसे युद्ध कर सकता हूं? रुक जाओ हनुमान, पीछे जाने का अर्थ होगा पराजय स्वीकार करना। यदि वास्तव में अपने गुरु का सम्मान करते हो हनुमान, तो मेरे शिष्य होने के नाते पीछे हटने के पूर्व एक बार पुनः विचार कर लो। परंतु? किंतु परंतु का नहीं, ये समय युद्ध का है हनुमान। युद्ध में केवल शौर्य का प्रदर्शन किया जाता है, भावुकता का नहीं। प्रहार का प्रयोगता प्रहार से दिया जाता है, याचना से नहीं। ऐसा क्यों कर रहे हैं प्रभु? हनुमान को स्वयं युद्ध के लिए क्यों उकसा रहे हैं? तुम्हारे प्रभु ने तुम पर विश्वास किया है, उनके विश्वास का मान रखो हनुमान। आगे बढ़ो और अपने पौरुष का परिचय दो बजरंगी। वीरता से युद्ध कर अपना महायोद्धा पुकारा जाना सार्थक करो महावीर। प्रभु सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर प्रभु का महान सेवा कहलाना सार्थक करो राम भक्त हनुमान। राम भक्त हनुमान। इस युद्ध का क्या अर्थ है? ये तो अनर्थकारी सिद्ध हो रहा है। स्वामी, जो युग युगांतर में नहीं हुआ वो आज क्यों होने जा रहा है? देवी, जो घटना पूर्व नियत है उसे कोई नहीं टाल सकता, वो तो घटित होकर ही रही। स्वामी, प्रभु और भक्त का, पिता और पुत्र का, रुद्र और रुद्रांश का कैसा अनिष्टकारी युद्ध है? क्या परिणाम होगा इस युद्ध का? सृष्टि में कुछ भी कभी अकारण नहीं होता प्रिय। इस संसार को इस युद्ध से बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। रात्रि के बाद ही दिवस आता है, अशुभ के बाद ही शुभ का संचार होता है, वैसे ही विनाश के बाद ही नवनिर्माण होता है। संभव है निर्माण के पूर्व होने वाले विनाश का प्रारंभ हो गया है। निर्णय लो हनुमान, क्या करोगे तुम? पीछे हटकर अपने प्रभु को असफल सिद्ध करोगे या आगे बढ़कर उनके कार्य को पूर्ण करने के लिए संघर्ष करोगे? असमंजस जो फंसे कबीराई, तब शिव धर्म का मार्ग बताए। हनुमत निष्ठा राम पे धारे, युद्ध श्री शंकर संग स्वीकारे। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। महादेव का डमरू भयंकर नाद उत्पन्न कर रहा है। विराट सृष्टि का विध्वंस सोच कर अद्भुत दृश्य था ये। कैसे ये दिव्य सर्प महादेव के धनुष पिनाक में परिवर्तित हो गए? हनुमान ने महादेव के पिनाक धनुष का उत्तर देने के लिए उन्हीं के धनुष
विजया का आवाहन किया। महादेव के धनुष के समान दिव्य धनुष का आवाहन तो अवश्य किया है हनुमान ने, किंतु उनके अस्त्र प्रभु के दिव्यास्त्रों का सामना कहां कर सकेंगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है हनुमान, किंतु स्मरण रहे ये रण है जिसमें मैं तुम पे भीषण से भीषण प्रहार करूंगा। क्यों हो हनुमान, देख क्या रहे हो? उठाओ अपना अस्त्र और युद्ध करो मुझसे। मयूर बाण। धर्म का अधर्म से संघर्ष तो अनेकों बार देखा है मैंने, किंतु प्रथम बार धर्म को धर्म से युद्ध करते देख रहा। पिता और पुत्र दोनों ही अपार शक्तियों से संपन्न है, न जाने क्या होगा इस युद्ध का परिणाम। तुम्हारा पराक्रम प्रमाणित करता है कि किसी उत्तम गुरु से शिक्षा प्राप्त की है तुमने। भोले बाबा, युद्ध कला में आपसे उत्तम गुरु भला और कौन हो सकता है? ये शिक्षा तो मुझे आपसे ही प्राप्त हुई है प्रभु। तो आओ पुत्र, अब इस युद्ध में और भी कठिन परीक्षा के लिए प्रस्तुत हो जाओ। नाग विषास्त्र प्रकट हो। प्रभु महादेव तो महाविनाशक महाअस्त्र नाग विषास्त्र का प्रयोग कर रहे हैं। जब उनका साधारण नागबाण इतना भयंकर था, तो उनका महाअस्त्र तो अनेक गुना और प्रबल होगा। गरुड़ास्त्र। स्वामी के महानाग विषास्त्र का कोई तोड़ नहीं है, गरुड़ास्त्र भी उसको निरस्त नहीं कर सकता। प्रभु के बाण ने तो निगल लिया हनुमान के गरुड़ास्त्र को। अस्त्र का विषैला धूम्र मुझे प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है, किंतु मैं अपनी चेतना नहीं खो सकता। हनुमान अपना और अपनी सेना की रक्षा कैसे करेंगे? ये तो महादेव के अस्त्र का प्रभाव, इससे अपना बचाव कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं। हनुमान
हनुमान भले ही नीलकंठ महादेव कांश है, किंतु नागभि शास्त्र में तो ब्रह्मांड के समस्त विष का प्रभाव समाहित है। वो महादेव का ही नहीं, मेरा भी पुत्र है। ऐसा कोई विष नहीं जो मेरे पुत्र हनुमान को क्षति पहुंचा सके। मेरा आशीर्वाद जो है उसके साथ, कुछ नहीं होने दूंगी मैं उसे। आवश्यकता होगी तो मैं स्वयं हस्तक्षेप करूंगी इस युद्ध में। हनुमान, प्रतीत होता है तुम्हारे गरुड़ अस्त्र ने मेरे नागभि शास्त्र की कुछ शक्ति हर ली, अन्यथा इतने समय में तो उसका विष तुम्हारे प्राण हर लेता। इतनी सरलता से तो पराजित नहीं हो सकते। क्या अपनी शक्ति भूल रहे हो? तुम भूल रहे हो कि तुम मेरे शिष्य हो? भूल रहे हो कि तुम्हें राम काज संपन्न करना है? सकुशल रहेगा हनुमान, रक्षित रहेगा हनुमान। आपका शिष्य कुछ नहीं भूला भोले बाबा। इतनी सरलता से पराजय स्वीकार नहीं करेगा आपका ये शिष्य भोले बाबा। आप जो भी बाण चलाएंगे उसका सामना करने का प्रयास करूंगा मैं, क्योंकि जब तक हनुमान जीवित है रामकाज का पूर्ण होना निश्चित है। धन्य हो पुत्र, अपने अंश रुद्रांश से मुझे यही आशा थी। कैसी दुविधा, कैसी विडंबना है ये। मैं उसकी रक्षा करने के लिए तत्पर जो मेरे पति मेरे स्वामी के साथ युद्धरत है, और कोई नहीं मेरा पुत्र है। एक स्त्री के लिए इससे अधिक पीड़ा का कारण और क्या हो सकता है कि महाविनाशक युद्ध में एक ओर उसका पति हो और दूसरी ओर उसका पुत्र। अब मेरे रुद्रांश को मेरे रुद्रास्त्र का सामना करना होगा। ये क्या कर रहे हैं प्रभु? अपने ही रुद्रास्त्र का प्रयोग कर रहे हैं अपने ही रुद्रांश पर। रुद्रास्त्र तो वो अस्त्र है जिसमें सभी 11 रुद्रों की शक्ति समाहित है। मैं रुद्रास्त्र का आवाहन करता हूं। वायु अस्त्र और वरुण अस्त्र का आवाहन करता हूं। हमारे अस्त्रों की सम्मिलित शक्ति भी प्रभु के रुद्रास्त्र का साथ नहीं। हनुमान को इस महासंकट से निकलने के लिए कोई और उपाय करना होगा। सृष्टि का विध्वंस सोच
कर देवलोक भयभीत। भक्त लड़े भगवान से ये कैसी है रीत। युद्ध ये प्रचंड है, प्रलय का शंखनाद है। भी अपने 11 रूपों की शक्ति का अनुसरण करना चाहिए। एकादश शक्ति संचारा, शिव रुद्रास्त्रा जब हूँ मारा। जान सामना दुष्कर भारी, एकादश कपि रूपली धारी। दो महाशक्ति संहारक, दो घातक, दो विनाशक। हनुमत निष्ठायक रघुराई, शिव से युद्ध किए जिस लाई। लीला महाबली हनुमत की, रुच कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मृत्यु स्वीकार है मुझे, पराजय नहीं। अपनी अंतिम श्वास तक पूर्ण क्षमता से प्रयत्नरत रहूंगा। मूर्छित अवस्था में हनुमान अंतरिक्ष के अनंत विस्तार में खोते जा रहे हैं। मेरे पुत्र रुद्रांश को रुद्राश कैसे परास्त कर सकता है? शीघ्र अपनी मूर्छा से उठकर रणभूमि में लौटेगा हनुमान। अब मैं किसी भी मूल्य पर अपने प्रभु को निराश नहीं होने दूंगा। यदि उसके लिए मुझे आपसे भी युद्ध करना पड़े तो वो भी निसंकोच करूंगा मैं। शक्ति चेतना हनुमत पाई, शून्य से भू को चले कपिराई। राम काज मन ही मन ठाना, जालाए तत्पर हनुमाना। राम बाण सम उड़े हनुमंता, पार किए अनगिन ब्रह्मांडा। देखी पार्वती हर साई, प्रज्वल यज्ञ शुचि हो आई। लीला महाबली हनुमत की, रुच कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रभु श्री राम के महायज्ञ में आए प्रत्येक अवरोध को मिटा कर ही रहूंगा मैं। उसके लिए स्वयं देवाधिदेव महादेव से भी युद्ध करना पड़े तो करूंगा मैं। ये भयानक ध्वनि कैसी है? ये ध्वनि कैसी है? हनुमान, ये तो इतने तीव्र वेग से आ रहा है जैसे ऐसे कुछ हुआ ही नहीं। सेवक हनुमान, पुनः आपका प्रहार सहने के लिए प्रस्तुत है भोले बाबा। आहत हुआ कष्ट साहब, किंतु अपने संकल्प से नहीं डिगा मेरा पुत्र हनुमान।
एक समान है दोनों पिता पुत्र, अपने निश्चय पर अडिग रहेंगे, युद्ध से पलायन कदापि नहीं करेंगे। प्रभु, आप कितने भी परीक्षा ले लीजिए, अपने इस रुद्रांश की, ब्रह्मांड की समूची शक्ति का भी सामना करूंगा मैं, किंतु अपने प्रभु के काज में अटल रहूंगा। ये क्या कह दिया हनुमान ने? कहीं हनुमान ने ये कहकर अपने लिए महासंकट तो आमंत्रित नहीं कर लिया? ब्रह्मांड की शक्ति से भी युद्ध करने के लिए तत्पर हो तुम तो सुनो, ब्रह्मांड के सभी जीवों की शक्ति का संचय है जिस अस्त्र में, उस पाशुपतास्त्र का प्रहार करूंगा तुम पर। हाँ प्रभु, यही उचित होगा, अब आपको पाशुपतास्त्र चलाना ही चाहिए। आपके अन्य अस्त्रों से सुरक्षित रहा है ये वानर, किंतु आपके पाशुपतास्त्र से इसका मरण निश्चित हो जाएगा। प्रभु, युद्ध कौशल में आप मेरे गुरु हैं भोले बाबा, मैंने सब आपसे ही सीखा है। युद्ध भूमि में योद्धा को मरण भी स्वीकार होना चाहिए, किंतु समर्पण नहीं। मेरा वचन है, पाशुपतास्त्र अस्त्र का भी सामना करूंगा मैं, किंतु राम काज के लिए बढ़े मेरे पग कदापि पीछे नहीं हटेंगे। प्रतीत होता है हनुमान को पशुअस्त्र की अपार शक्ति का अनुमान नहीं। पाशुपतास्त्र पुत्र हनुमान, कि तुमने क्या कर दिया? संसार के सबसे अधिक सर्वाधिक विनाशक अस्त्र को चुनौती दे बैठे। हनुमान सबल समर्थ है, किंतु पाशुपतास्त्र का सामना कर सकेगा अन्यथा नहीं, ये तो भविष्य ही बताएगा। ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों का बल सोख रहा है यह अस्त्र। भोले बाबा का पाशुपतास्त्र तो ब्रह्मांड अस्त्र से भी प्रचंड प्रतीत हो रहा है। मेरी शक्ति महादेव के अस्त्र की शक्ति में समाहित हो रही है। प्रभु, धन्य हो गया मैं। प्रभु के पाशुपतास्त्र को हम देवता भी अपनी शक्तियां देने के लिए विवश हैं। हनुमान के विरुद्ध हमारी शक्ति का प्रयोग करेगा यह अस्त्र। आश्चर्य, इस अस्त्र में तो मेरी शक्ति भी मिल गई। मुझे भय है कहीं हनुमान का कोई अनिष्ट ना हो जाए। Thank you.
अस्त्रहीन असहाय होकर हनुमान पाशुपतास्त्र का सामना कैसे करेगा? जिस प्रकार मैंने ब्रह्मास्त्र के प्रहार को सहा था, वैसे ही पाशुपतास्त्र की अपार शक्ति का भी मैं सामना करूंगा। किंतु मैं भोले बाबा को दिए वचन को कभी भंग नहीं होने दूंगा। एक पग भी पीछे नहीं हटूंगा मैं। जय श्री राम। हनुमान, जब तक इस धर्म युद्ध का अंत नहीं होता, अनेकों घातक अस्त्रों के प्रहारों के साथ अन्य अनेक कष्ट सहोगे तुम, जिसके कारण तुम्हारे प्रियजन और शुभचिंतक भी व्यथित होंगे। पाशुपतास्त्र तो हनुमान के अत्यंत निकट पहुंच चुका है। घोर संकट में है हनुमान। शस्त्र के विध्वंस से तो अनेक आसुरी और भयंकर शक्तियां उत्पन्न हो रही है। इस अस्त्र की प्रचंड ऊर्जा से और किसी को आहत नहीं होने दूंगा मैं। क्या करने का प्रयास करें हनुमान? पाशुपतास्त्र के प्रहार को झेलकर सुरक्षित रहना कठिन ही नहीं असंभव है। पाशुपतास्त्र जो शिव ने मारे, उत्सर्जे तू जाते भारी। सोई ऊर्जा निकले हनुमाना, डाल दिए संकट मह प्राणा। अब और सहन नहीं कर सकती मैं। पुत्र इतनी पीड़ा में हो और माता देखती रहे, ये कैसे संभव है? यदि अंजना यहाँ होती तो पाशुपतास्त्र के समक्ष भी वैसे ही खड़ी होती जैसे वो स्वामी के त्रिशूल को रोकने उसके आगे आ गई। वो तो यही विचार कर निश्चिंत होगी कि उसका पुत्र देव कार्य में सुरक्षित है। उस दिन उस माँ ने अपनी ममता का परिचय दिया था, तो आज इस माँ को पिता और पुत्र के अनर्थकारी युद्ध के बीच आना ही होगा। हे माता शक्ति, संसार के समस्त जीवों की शक्ति का स्रोत तो आप ही हो। कृपया आप प्रभु के पाशुपतास्त्र की शक्ति हर लीजिए। उसे अशक्त बनाकर इस अनर्थ को होने से रोक लीजिए माता। क्योंकि हनुमान प्रतिबद्ध है, वो एक पग भी पीछे नहीं हटेगा। हे देवी शक्ति, अब आपका ही आसरा है। शक्ति विहीन कीजिए प्रभु के इस अस्त्र को, रक्षा कर लीजिए पुत्र हनुमान की। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता पार्वती के शक्ति स्वरूप में आने से
न जाने ये युद्ध अब क्या रूप लेने वाला है। प्रणाम माता। अचेत योद्धा थे माता, वो तो पुनः कुशल हो गए, किंतु पुष्कल दुर्भाग्यवश अभी भी उसके प्राण उसकी देह से विलग हैं। माता के आशीर्वाद से हनुमान की रक्षा तो हुई ही, उसके साथ उस दिव्य शक्ति के संचार से जो योद्धा आहत या अचेत हुए थे वो पुनः स्वस्थ हो गए। यदि पुष्कल में प्राण शेष होते तो वो भी पुनः जागृत हो उठता। हाँ वायुदेव, किंतु मुझे एक अन्य चिंता सता रही है। माता पार्वती के हस्तक्षेप के पश्चात कहीं ये युद्ध कोई भयंकर रूप ना ले, क्योंकि प्रभु महादेव कभी ये स्वीकार नहीं करेंगे। ये आपने क्या किया देवी? महादेव, ये एक माता की पीड़ा एवं एक पत्नी की विवशता का परिणाम है। ये संचित शक्ति आप एक ज्वालामुखी का रूप लेगी। जो ज्वालामुखी अपने अस्तित्व से सदैव इस संसार को दर्शाता रहेगा और सदैव स्मरण कराता रहेगा जब एक नारी के अपने एक दूसरे से युद्धरत होते हैं तो उसे कैसी असहनीय वेदना का सामना करना पड़ता है, और भविष्य में जब जब ऐसा होगा अनुचित किए बिना पुत्र अकारण संकट में आएगा, तब तब उसकी माता अपने संपूर्ण सामर्थ्य से उसकी सहायता करेगी। क्योंकि मेरे पुत्र हनुमान ने कुछ भी अनुचित नहीं किया, इसलिए मैं उसकी सहायता अवश्य करूंगी। यदि आपको अपना वचन एवं हनुमान को अपना सेवक धर्म निभाना ही, तो मैं अपने पुत्र की रक्षा के लिए प्रस्तुत हूं। मुझे भी अपनी ममता का धर्म निभाने का अधिकार है। देवी, आपकी चिंता, आपकी पीड़ा समझता हूं मैं, किंतु यहां इस धर्म युद्ध में पिता और पुत्र नहीं अपितु वचन और धर्म में संघर्ष है। ये समझने की चेष्टा कीजिए आप। मेरी दुविधा समझिए आप। विजय पति की हो या पुत्र की, पराजित तो नारी ही होती है। जिस युद्ध का परिणाम मुझे भुगतना होगा उसकी भागीदार तो मैं ही हुई, इसलिए मुझे इसमें सक्रिय भाग लेने से रोकने का एक ही उपाय है। आपको युद्ध को युद्ध अभी रोकना होगा। मां,
ये युद्ध रुक नहीं सकता देवी। जिस प्रकार अग्नि में तपकर ही स्वर्ण निखरता है, उसी प्रकार बड़ी बड़ी बाधाओं पर विजय प्राप्त करने वाले ही महारथी कहलाते हैं। संसार में उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ता है। हनुमान को मुझसे युद्ध कर जगत विजेता बनने का अवसर प्राप्त हुआ है, उससे वंचित मत करिए उसे। आपको हनुमान की शक्ति पर विश्वास है तो युद्ध में उसकी सहायता कर समस्त संसार में उसे दुर्बल प्रमाणित मत कीजिए। युद्ध ये प्रचंड है, प्रलय का शंखनाद है, शिव से शिवाश का ये युद्ध सर्वनाश है, ये युद्ध सर्वनाश है। हे ईश्वर, ये युद्ध सुलझाने के बजाय और भयंकर रूप लेता जा रहा है। यदि इस प्रकार युद्ध हुआ तो सृष्टि का अस्तित्व ही मिट जाएगा। आपको इस युद्ध से हटना ही होगा। हनुमान की माता होने के साथ जगत जननी भी है। जगत में धर्म के विस्तार के लिए, जगत कल्याण के लिए इस युद्ध को होने दीजिए। प्रत्यक्ष रूप से मैं इस युद्ध में भाग लूं अथवा नहीं, किंतु परोक्ष रूप में आप दोनों की शक्ति बनकर मैं पूर्व से ही इस युद्ध में भागीदार हूं। आपकी आज्ञा के विरुद्ध भी नहीं जा सकती मैं। ये युद्ध अपने नेत्रों के समक्ष भी नहीं देख सकती, इसलिए मैं अपने नेत्र बंद रखूंगी जब तक ये युद्ध निर्णायक ना हो जाए। किंतु कोई ऐसा अनिष्ट ना हो जिसे मैं सहन ना कर पाऊं। यही उचित है देवी, इसी में जगत का कल्याण निहित है। प्रभु, माता के आशीर्वाद स्वरूप उनके द्वारा दिए गए इस खड़क के साथ आपसे युद्ध करने के लिए मैं प्रस्तुत हूं। इसलिए प्रभु, आपको भी कोई और अधिक शक्तिशाली अस्त्र चुनना होगा। मुझे ज्ञात है पुत्र, जैसा मैंने पूर्व में भी कहा था, इस युद्ध में तुम पर कोई दया नहीं करूंगा। मैं तुम पर कठोरतम से कठोरतम वार करूंगा। मैं चंद्रहास, प्रभु ने चंद्रहास का आह्वान किया है, इसका सामना करना तो किसी के वश में नहीं। माता को दिए गए वचन के अनुसार प्रभु और हनुमान इस युद्ध को
सृष्टि से दूर ले जा रहे हैं, जिससे इस महायुद्ध का किंचित प्रभाव भी सृष्टि पर ना पड़े। हनुमान, क्या तुम युद्ध के लिए पुनः प्रस्तुत हो? राम काज की सफलता के लिए मुझे ये युद्ध करना ही होगा प्रभु। दोनों महायोद्धा अपने दिव्य अस्त्रों से एक दूसरे पर वार करने के लिए प्रस्तुत है, और जब दो महान शक्तियों का एक दूसरे से टकराव होता है तो सृष्टि से दूर होने पर भी वो सृष्टि के लिए कभी भी संकट का रूप धारण कर सकते हैं। जय श्री राम! इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए महादेव के प्रहार को रोकना असंभव है। मेरा हृदय इतना विचलित क्यों हो रहा है? रणकपि गंगाधर अकल्पित देव अचंभित सृष्टि चिंतित जो देखी न सुनी कभी भाई युद्ध वही प्रारंभ को आई। प्रथम प्रहार से ही सृष्टि कंपित हो उठी तो ज्ञात नहीं आगे क्या होने वाला है। भोले बाबा की काया तो महाविकराल रूप धारण करते जा रही है। महादेव का ऐसा रूप कदाचित सृष्टि में कभी किसी ने नहीं देखा होगा। न जाने क्या होने वाला है। महादेव का ये विश्वरूप, ये दर्शन अद्भुत भी है और भय उत्पन्न करने वाला भी। नमन भोले बाबा, आपके इस विराट दर्शन को संभालो मेरा मान।
प्रहार तो भोले बाबा बहुत ही भीषण कर रहे हैं, किंतु न जाने क्यों मुझे इन प्रहारों में शत्रु भाव का आभास ही नहीं हो रहा है। न जाने आज क्या होने वाला है। पुत्र हनुमान, जिसका भय था वही होने की संभावना दिखाई दे रही है देव, कैसे रुकेगा ये युद्ध? मैं तो स्वयं हतप्रभ हूँ ये सब देखकर। ये क्या, आकाश गंगा में पहुंचते ही मेरी देह का आकार एवं मेरी शक्ति क्षीण कैसे होने लगी? नहीं नहीं, मुझे अपनी शक्ति बढ़ानी ही होगी। क्लांत हो गए पुत्र, लो मैं भी तुम्हारे कार के समान हो गया। अब मुझे अपना युद्ध कौशल दिखाओ। युद्ध कौशल तो दिखाऊं भोले बाबा, किंतु मैं देख रहा हूं कि आपके पीछे दूर दिखाई दे रही पृथ्वी में कंपन हो रहा है। आपके समक्ष कंदुक के आकार के जैसी प्रतीत हो रही है पृथ्वी। मुझे भी तुम्हारे पीछे मंगल ग्रह कंपित होते दिखाई दे रहा है। युद्ध का परिणाम है ये, किंतु युद्ध नहीं रुकेगा। तुम अपने भगवान के लिए युद्ध कर रहे हो और मैं अपने भक्त के लिए। प्रभु मुझे वचन दीजिए कि यदि मेरा राम की सेना से युद्ध हुआ और उसमें मैं परास्त हुआ तो मेरे आवाहन पर आप स्वयं और आपकी सेना युद्ध भूमि में आकर मेरे पक्ष में युद्ध करेंगे। तथास्तु। हर हर महादेव। हनुमान, इसे युद्ध की प्रतियोगिता समझने की भूल ना करो। वार करो और दिखाओ अपना वास्तविक बल। युद्ध का दिखावा करके मुझे निराश मत करना। उचित है भोले बाबा। युद्ध की कलाएं तो आप ही से सीखी हैं मैंने। अब आपको निराश नहीं करेगा आपका ये शिष्य। जय श्री राम। शक्तियों के ये प्रचंड घात प्रतिघात, इसे शीघ्र ही नहीं रोका गया तो असमय ही प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। हाँ, ये था तुम्हारा प्रशंसनीय वार हनुमान। प्रभु की दिव्य खड़ग का टूटा हुआ भाग तो पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। पृथ्वी पर विनाश मचा देगा ये। पृथ्वी को दो भागों में विभक्त कर देगा ये।
मेरी खड़क का भाग भी मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहा है। मंगल ग्रह भी नष्ट हो जाएगा। संसार के संकट मोचन हनुमान अब क्या करेंगे? मंगल ग्रह अधिक दूर नहीं है, पहले इन्हें ही बचाता हूं। जय श्री राम। मेरी खड़क का भाग तो पृथ्वी के निकट पहुंच गया है। मैं अभी इसे हनुमान पुत्र, ये दिव्य खड़क महाघातक है, तुम इसे नहीं रोक पाओगे। प्रतीत होता है कि हनुमान चंद्रहास तक नहीं पहुंच पाएंगे, और यदि पहुंच भी गए तो उसे नियंत्रित करना सहज नहीं होगा। हनुमान, पृथ्वी लोक और मंगल ग्रह को संकट से बचाकर तुमने सृष्टि पर उपकार किया है। सत्य में ही संकट मोचन हो तुम, किंतु हमारे बीच जो युद्ध होगा वो तुम्हारे युद्ध कौशल के अनुरूप ही होगा। अब महादेव किस प्रकार के युद्ध के लिए कह रहे हैं? हनुमान, स्वयं को नियंत्रित करो पुत्र। चंद्रहास को तो रोक लिया है हनुमान ने, किंतु यदि हनुमान स्वयं पृथ्वी से टकराए तो अनर्थ हो जाएगा। प्रभु से युद्ध करने चले थे तो भुगतो उसका परिणाम, पृथ्वी से टकरा के टुकड़े टुकड़े हो जाओगे हनुमान। आश्चर्य है, ये वानर तो अद्भुत है। भोले बाबा के हाथ में गदा। उठो हनुमान, गदा युद्ध सबसे अधिक प्रिय है ना तुम्हें? गदा युद्ध में तो मुझे परास्त कर दो, अन्यथा राम काज अपूर्ण रह जाएगा, अश्व बंधी बना रह जाएगा, अश्वमेघ यज्ञ की अग्नि भी ठंडी पड़ जाएगी। बोले हनुमत को ललकारी, युद्ध गदा से करो गदाधारी। मारी गदा भू पर हनुमाना, जा कंपन से शिव को प्रणामा। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला, राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम, जय जय महाबली हनुमान। मेरी गदा का प्रणाम स्वीकार करें गुरुदेव। भोले बाबा, जब से आपसे युद्ध कला का प्रशिक्षण लिया है, तब से गदा हो या कोई अन्य अस्त्र, हर अस्त्र में दक्षता प्राप्त हो गई है मुझे। तो फिर मात्र बात से नहीं, युद्ध कौशल से इसका प्रमाण दो। ऐसा ही होगा गुरुदेव। अत्यंत भयानक होगा यह गदा युद्ध। संसार में दो महायोद्धाओं की गदा टकराएंगी तो सृष्टि में विचरण निश्चित है। जय श्री राम।
गदाओं की ये भीषण डंकार, ये ध्वनि तो कानों को भेद रही है। पर ब्रह्मा की शक्ति है शिव शंकर, पर हनुमान भी उन्हीं के अंश। इन ब्रह्म शक्तियों की गदाओं के टकराने से ब्रह्मांड को भी विचलित करने वाला ब्रह्मनाद उत्पन्न हो रहा है। आप असहनीय हो रही है ये ध्वनि। स्वामी, युद्ध तो उग्र होता जा रहा है। जब भी दो महान शक्तियां आपस में टकराती हैं तो महाविनाश होता ही है। आज भी ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। देवी पार्वती, सारा ब्रह्मांड कंपित हो रहा है, आपका हृदय भी कांप रहा होगा। मां के हृदय की व्यथा एक नारी ही जान सकती है। देव, आप तो जगत के पालनहार हैं, सारी सृष्टि विचलित हो रही है। कैसे होगा इस युद्ध का अंत? कब होगा ये युद्ध समाप्त? हनुमान, क्या मैंने तुम्हें यही शिक्षा दी थी? कोई भी परिस्थिति उत्पन्न हो, किंतु योद्धा के लिए क्षण भी ध्यान, धैर्य और संयम खोने का अर्थ है पराजय। क्या तुम भी परास्त होना चाहते हो? भोले बाबा, गुरुदेव से पराजय भी मेरे लिए आशीर्वाद है, किंतु आज पराजय का अर्थ है मेरे प्रभु के काज में असफलता, और राम काज को ये हनुमान कदापि असफल नहीं होने देगा। फिर क्यों युद्ध से तुम्हारा ध्यान भटक रहा है हनुमान? ये युद्ध में ध्यान दे या नहीं, पराजय तो इसकी ही होनी है। हर हर महादेव। पुनः एकाग्रता खो दी तुमने हनुमान, इसलिए अपनी गदा खो बैठे। गुरुदेव की संगति हो या विसंगति, परिणाम तो कल्याणकारी ही होता है। अच्छा ही हुआ, अन्यथा गदाओं की टंकार सभी को विचलित कर रही थी। सैनिक भी पीड़ित हो रहे थे। धर्म युद्ध में ऐसे बलिदान देने पड़ते हैं हनुमान,
ऐसी ही पीड़ा एक साधारण सैनिक को योद्धा बनाती है। तुम्हारे भीतर जो योद्धा है उसे जागृत करो हनुमान, और समाप्त कर दो इस युद्ध को, अन्यथा मैं समाप्त कर दूंगा इस युद्ध को। हनुमान, अब भी शक्ति शेष है तो आओ मल युद्ध करो मुझसे। मुष्टि प्रहार और महादेव का हनुमान तो मलयुद्ध के महावीर महादेव के पांव को अपनी पकड़ में ले लिया है। क्षमा, शंखनाद है शिव से शिवांश का, ये युद्ध सर्वनाश है, ये युद्ध सर्वनाश है। हनुमान, मुझे निराश मत करो, प्रहार करो अपनी पूर्ण शक्ति से। बहुत ही अद्भुत है ये मल्लयुद्ध। अब पहले कौन आगे बढ़ेगा? हनुमान ने महादेव से तो युद्ध सीखा ही है, अपने पिता केसरी जी से भी मलयुद्ध का प्रशिक्षण लिया है हनुमान। क्षमा प्रभु, कहीं आपको आहत तो नहीं कर दिया मैंने? ये क्या, शिवजी पर ऐसा भीषण प्रहार? हनुमान को नहीं करना चाहिए था ऐसा। ये क्या कर दिया हनुमान ने? यदि महादेव का क्रोध जागृत हो गया और उन्होंने अपना तृतीय नेत्र खोल दिया तो? और शिवजी के तृतीय नेत्र खोलने का अर्थ है हनुमान की मृत्यु और सृष्टि का महासंहार।
अद्भुत अद्भुत हनुमान, क्या प्रहार था तुम्हारे इसी बल को बाहर लाने के लिए मैं बार बार कह रहा था। प्रथम बार मेरे जैसे किसी योद्धा से सामना होने का आभास हुआ है मुझे। अब गर्व है मुझे अपने शिष्य हनुमान पर। प्रसन्न हुए हम तुमसे। गुरुदेव की प्रसन्नता शिष्य को शक्ति एवं ऊर्जा से भर देती है भोले बाबा। हनुमान, जो मुझे प्रसन्न कर देता है, चाहे तप से या सदाचरण से या किसी दक्षता से, वो मेरे वरदान का अधिकारी हो जाता है। ये महादेव क्या करने जा रहे हैं? मेरे शत्रु को वरदान अर्थात मेरी पराजय या मेरी मृत्यु? नहीं नहीं, मेरे महादेव मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। कहो हनुमान, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? एक नहीं, दो वरदान मांग लो। एक तो अपने पिता को अपने शौर्य प्रदर्शन से प्रसन्न करने का वर, और द्वितीय गुरु से प्राप्त शिक्षा के सदुपयोग का वर। ये तो अकल्पनीय घटना घटित हुई है। प्रचंड क्रोध की ज्वाला के स्थान पर वरदान की शीतल वर्षा। अच्छा है, अनर्थ का भय टल गया, युद्ध समाप्त हो गया। किंतु स्मरण रहे, युद्ध रोकने के अतिरिक्त कोई भी अन्य वर मांग सकते हो, क्योंकि युद्ध के लिए मैं अपने भक्त के प्रति वचनबद्ध हूं। ये क्या हो रहा है स्वामी? कभी महादेव और हनुमान के मध्य गुरु शिष्य की मर्यादा दिखाई देती, तो कभी पिता पुत्र का प्रेम, तो कभी शत्रु भाव। वरदान भी एक नहीं दो, और ये युद्ध भी नहीं रोकेंगे। प्रिय, इस समय महादेव, पिता, गुरुवर और भगवान तीनों हैं। पिता पुत्र के किसी कार्य से प्रसन्न होता है तो पुत्र को वरदान देता है। शिष्य के कार्य से प्रसन्न होने पर गुरुवर भी शिष्य को वरदान देते हैं। किंतु भगवान यदि भक्त के प्रति वचनबद्ध हैं तो वो युद्ध भी नहीं रोक सकते। मेरे समर्पण, मेरी श्रद्धा एवं मेरी भक्ति का उपहास है ये। नहीं नहीं, हनुमान को कोई अधिकार नहीं है वरदान पाने का। नहीं, क्या सोच रहे हो पुत्र हनुमान? कहो, क्या इच्छा है तुम्हारी? प्रभु, यदि आप सत्य में ही मुझे वरदान देना चाहते हैं तो पुष्कल को जीवित करने एवं राम काज में घायल हुए सैनिकों आदि के उपचार करने का मुझे उपाय बताइए। हनुमान, वरदान तो तुम स्वयं के लिए मांग सकते हो, फिर तुम इसे किसी अन्य के लिए व्यर्थ क्यों कर रहे हो? भोले बाबा, भक्त को यदि भगवान मिल जाए तो उसे और क्या चाहिए? मेरे प्रभु श्री राम मुझे मिल गए, और जो श्री राम का हो जाता है उसकी चिंता तो स्वयं श्री राम ही करते हैं। इसलिए यदि आपके वरदान से किसी अन्य का भला हो जाए, आहत को जीवन दान मिल जाए और पिता को पुत्र मिल जाए, तभी वरदान की सार्थकता होगी। परोपकार, विनम्रता और निस्वार्थ भावना, इन्हीं गुणों ने तो तुम्हें श्रेष्ठ भक्त बनाया है हनुमान। यदि यही तुम्हारी प्रथम कामना है तो इसका उपाय साधारण ही है, जो तुम स्वयं भी जानते हो। स्मरण करो, लक्ष्मण जब शक्ति प्रहार से अचेत हुए थे, उन्हें कैसे सचेत किया था तुमने? संजीवनी बूटी। हाँ हनुमान, पुष्कल एवं सैनिक
संजीवनी बूटी से सचेत हो जाएंगे, किंतु उसके लिए तुम्हें द्रोणागिरी से संजीवनी बूटी लानी होगी। ये तो सब किया हुआ व्यर्थ हो जाएगा। धन्यवाद भोले बाबा इस मार्गदर्शन के लिए। अब द्वितीय वरदान, आप मुझे द्वितीय वरदान के रूप में वचन दीजिए कि जब तक मैं संजीवनी बूटी लेकर यहाँ वापस लौटकर इन सबको सचेत न कर दूं, तब तक आप पुष्कल एवं सभी घायलों की रक्षा करेंगे। प्रभु, ये मेरे प्रति अन्याय है। आप युद्ध करते करते वरदान कैसे देने लगे? न्याय अन्याय की परिभाषा में ना ही पड़े तो उचित होगा। इतना जान ले कि ये कोई शांति समझौता नहीं है। आपके प्रति वचनबद्ध हूं मैं। युद्ध चलता रहेगा, इसलिए आप हस्तक्षेप ना करें। किंतु महादेव, आप उसे वरदान कैसे दे सकते हैं जो आपके समक्ष आपका शत्रु बनकर खड़ा है? हनुमान मेरे शत्रु नहीं है और ना ही इनकी ये राम सेना। प्रभु, बस ये प्रतिद्वंदी है इस युद्ध में, अन्य तो सभी मेरे पुत्र हैं, किंतु हनुमान मेरे पुत्र, मेरे शिष्य एवं मेरे भक्त भी हैं। तुमने मुझे भक्ति से प्रसन्न किया और हनुमान ने मुझे शक्ति से प्रसन्न किया है, और जो मुझे प्रसन्न करे उसे मुझसे वरदान पाने का अधिकार है। हनुमान, मेरी सेना महाराज वीरमणि के नियंत्रण में उनकी रक्षा के लिए रहेगी, परंतु मैं तुम्हारे लौट कर आने और इन सबको सचेत करने तक पुष्कल और अन्य सभी की रक्षा करूंगा। इस प्रकार तो सब कुछ उलट जाएगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आज्ञा गुरुदेव, प्रणाम। जय श्री राम। ये धर्म की, हनुमान की प्रथम विजय, माता पार्वती भी प्रसन्न हो गई होंगी। पुत्र हनुमान, तुम्हारी माता के दिए हुए संस्कारों ने ही तुम्हें गर्व करने योग्य बनाया है। मुझे पुत्र हनुमान पर पूर्ण विश्वास है। वो किसी को कोई हानि नहीं पहुंचने देंगे, वो सबको सचेत एवं स्वस्थ कर देंगे। ये शांति कुछ ही समय के लिए है, महादेव ने पूर्णतः युद्ध नहीं रोका है। जैसे ही हनुमान सबको स्वस्थ कर देंगे, महादेव पुनः महाराज वीरमणि के पक्ष में खड़े हो जाएंगे। मैंने महादेव को बुलाया और महादेव, नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे बुलाने से क्या होता है? अपने पुत्र के पक्ष में खड़े हैं वो, तुम्हारी रक्षा करने आए और अब तुम्हारे विरुद्ध ही खड़े हो गए। मैंने ही उन्हें चतुराई से अपने साथ मिला लिया। अब मेरी सेना, मेरे योद्धा पुनः उठ खड़े होंगे और तुम देखते रह जाओगे। हनुमान, मैं तुम्हें तुम्हारी चतुराई में सफल नहीं होने दूंगा। तुम जब तक लौट कर आओगे, तब तक मैं तुम्हारे इन मूर्छित योद्धाओं के देह को ही मिटा दूंगा। हनुमान, मैं तुम्हारे लौट कर आने और इन सबको सचेत करने तक मेरी सेना महाराज वीरमणि के नियंत्रण में उनकी रक्षा के लिए रहेगी। नंदी, वीरभद्र, शिवगणो, मेरे प्रभु महादेव भले ही राम सेना के पक्ष में खड़े हैं, किंतु आप सभी को मेरे महादेव ने मेरे नियंत्रण में रहने का निर्देश दिया है, अतः आप सभी को मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। क्या करना चाहते हैं आप? नंदी, मैं चाहता हूं कि आप अपने खुरों से
राम सेना के योद्धाओं के मूर्छित पड़े देह को छत विछत कर दें और वीरभद्र उनकी देह को इतने भागों में विभक्त कर दें कि उनमें जीवन ही शेष न रह जाए। और आप प्रेतगणों उनकी विभाजित देहों को भक्षण कर जाए ताकि पुनः कोई जीवित ना हो। किंतु यह सब उस वानर हनुमान के लौटने से पूर्व हो जाना चाहिए। अपने अहंकार में डूबकर वीरमणि ये कैसी मूर्खता करने जा रहे हैं? आपकी मति तो स्थिर है। इन अचेत सैनिकों पर आक्रमण करने का अर्थ है अपने प्रभु से युद्ध करना, जो कदापि नहीं हो सकता। उन्हीं महादेव भगवान ने आप सभी को मेरी आज्ञा का पालन करने का निर्देश दिया है। नंदी, आपसे अवश्य सुनने में कोई त्रुटि हुई है। प्रभु ने आपको और हमें सबकी सुरक्षा का निर्देश दिया है और अचेत या मृतकों पर आक्रमण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हिंसक पशु भी मृत या अचेत प्राणी पर आक्रमण नहीं किया करते। हम भगवान की सेना के योद्धा हैं। निहत्थे अचेत एवं निर्बलों पर हम आक्रमण नहीं करते। उचित है, उचित है। आप सब आक्रमण नहीं करेंगे तो मैं आक्रमण करूंगा। मेरी रक्षा का वचन देने के कारण महादेव मुझे रोक नहीं पाएंगे और वो मेरा कोई अहित नहीं करेंगे। नंदी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हनुमान के लौटने से पूर्व भी मैं इन्हें अग्नि में भस्म कर दूंगा। कुछ नहीं मिलेगा हनुमान को। पिछली बार बूटी बहुत ही कठिनाई से प्राप्त हुई थी। आशा है इस बार बूटी की प्राप्ति में द्रोणगिरी कोई सहायता कर दे। आपने स्वयं ही मुझे संजीवनी बूटी प्रदान कर दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद द्रोणगिरी पर्वत। अब मुझे शीघ्र ही जाकर सबको स्वस्थ करना होगा। मुझे कुमार पुष्कल के प्राण लौटाने होंगे। जय श्री राम। आग्नेयास्त्र का संधान कर रहे हैं वीरमणि। कदाचित शत्रुता के भाव ने वीरमणि को यह भुला दिया कि जिन्हें भस्म करने वो जा रहे हैं उनकी रक्षा करने के लिए प्रभु महादेव खड़े हैं। Huh?
वीरमणि, हनुमान के अतिरिक्त मेरे प्रहार को संभालने की क्षमता तुम में तो क्या किसी में भी नहीं होगी। तुम मेरे भक्त हो इसलिए जीवित हो, अन्यथा तुम्हें इस दुस्साहस का दंड मिल गया होता। इस धृष्टता के दंड स्वरूप तुम तब तक खड़े नहीं हो पाओगे जब तक हनुमान लौटकर अपना कार्य पूर्ण नहीं कर लेते। पवन तनय संजीवन लाए, पुष्कल प्राण पुनः लौटाए। देखि भरत हर्षित आभारा, रघुकुल संकट हनुमत तारा। तत्पश्चात सेना उपचारी, उत्साह सब मह संचारी। देव देवी सबहु हरसाए, माँ गौरी आशीष बरसाए। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। आपको शत शत नमन भोले बाबा। हनुमान, आभार प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है, अब युद्ध करो, वरदान पूर्ण हो गया है। किंतु भोले बाबा। हनुमान, हर हर महादेव। क्षमा प्रभु, आप सर्वशक्तिमान भगवान हैं। मैं भले ही आपका अंश हूं, किंतु हूं तो मैं वानर ही। अब आपसे और युद्ध करने की ना तो मुझमें क्षमता है और ना ही मैं इस युद्ध से इस सृष्टि को पुनः प्रताड़ित होते देखना चाहता हूं। योद्धा हो तुम, कायर एवं निर्बलों की भांति बातें मत करो। ये तुम्हें भी ज्ञात है कि युद्ध के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है। ये ठीक नहीं हो रहा है हनुमान जी के साथ। मुझे ज्ञात है भोले बाबा, युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं है, किंतु आप तो भगवान हैं। अपने भक्त को दिए वचन के लिए आप अपने इष्ट के विरुद्ध खड़े हो सकते हैं, किंतु मैं तो एक वानर हूँ, मनुष्य की भांति समस्त सुख दुख एवं भावनाओं से प्रभावित होता हूँ। मैं अपने गुरुदेव, अपने पिता और अपने इष्ट के विरुद्ध और अधिक खड़ा नहीं रह सकता। युद्ध में भावनाओं का स्थान नहीं होता। गदा उठाओ और युद्ध करो। पहले भी आपके विरुद्ध मैंने शस्त्र उठाकर बहुत बड़ी भूल की थी। अब भले ही मेरे प्राण चले जाएं, किंतु मैं अब आपके विरुद्ध शस्त्र नहीं उठाऊंगा। यह
यदि तुम स्वयं ही मृत्यु का वरण करना चाहते हो तो अवश्य ऐसा ही होगा। नहीं होने दूंगा मैं। यदि इसके लिए मुझे शिवजी पर ब्रह्मास्त्र का भी प्रयोग करना पड़े तो करूंगा मैं।